चार्जर है लैपकेयर का, तो इसको हम पहले चेक करते हैं, करंट में लगाते हैं। देखिए इसका लाइट यहाँ पे इंडिकेटर वो नहीं जल रहा है, तो लाइट कभी फ्यूज़ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग चेक करेंगे। तो मीटर को हम लोग 20 वोल्ट में रखेंगे और इसका जो आउटपुट है उसको चेक करेंगे नेगेटिव के साथ। ये देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है, 0.74 ऐसा नहीं आ रहा है। इसमें 19 वोल्ट तक आना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग खोल के रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, अगर रिपेयर हो गया तो ये वीडियो में डाल दूंगा, और अगर नहीं हुआ तो नहीं डालूंगा। तो आइए इसको खोलते हैं। ये है चार्जर खुल गया। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे जो डायोड है ये खोल देते हैं, डायोड को चेक करना है। ये देखिए एलईडी है इसका, और ये डायोड, ये कैपेसिटर, इसमें शॉर्ट करा लीजिएगा क्योंकि कभी कभी इसमें वोल्ट रहता है। तो ये है डायोड, पहले इसको चेक करेंगे और यहाँ पे जो फ्यूज़ है वो चेक करेंगे। तो मीटर को हम लोग रख देते हैं कंटिन्यूटी में, जहाँ बीप साउंड आता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका फ्यूज़ कहाँ था, यहाँ है, ये वाला फ्यूज़ है, ये वाला फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ ठीक है। उसके बाद ये प्लग भी हम लोग चेक करते हैं, ये ठीक है, इस साइड का ये भी ठीक है। और यहाँ पे फिर डायोड चेक करेंगे, डायोड भी शॉर्ट नहीं है, ये ठीक है डायोड, ये भी ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं इसमें सर्किट में कुछ जला वला तो नहीं है, कैपेसिटर भी फुला नहीं है, और इसका कपलर हम लोग चेक करेंगे, और कपलर के कारण भी अभी कभी पावर ऑन नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, लग रहा है कपलर इसका शॉर्ट है इसीलिए पावर नहीं आ रहा है। इसमें देखिए बीप साउंड आ रहा है एक साइड में लगाने से, देखिए ये शॉर्ट है शायद, इसलिए ये आपका ये कपलर, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने से शायद हो जाए, तो इसको मैं खोल रहा हूँ, देखिए ये खोलने के बाद मैं इसको चेंज कर दूँगा। तो दोस्तों आप लोग भी घर में ऐसे SMPS बनाने का कोशिश कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी कुछ भला हो, दूसरा कोई आप लोगों का दोस्त ये ऐसा टाइप का SMPS पावर सप्लाई बना सके। तो ये देखिए ये कपलर ख़राब हुआ है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे अभी। तो ये कपलर में खोल के मेरे पास दूसरा सर्किट से मैं खोल के लगा रहा हूँ, ये दूसरा एक सर्किट था इसमें से मैं कपलर खोल के लगा दूंगा, तो ये हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं, मैं इसको खोल के लगाता हूँ। दोस्तों ये देखिए से मैं खोल के लगाऊँ सेम टू सेम, तो इसको हम लोग यहाँ पर फिक्स करेंगे। कपलर अपना पोजीशन पे बैठ गया है, देखिए मैं अभी इसको सोल्डर कर दूंगा, थोड़ा सा सोल्डरिंग, और इसके बाद हम लोग का शायद ये पावर सप्लाई ठीक हो जाएगा। एक बार टेस्ट करके देखेंगे ये फिट होने के बाद। तो पहले मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ, और देखते हैं ये पावर ऑन होता है कि नहीं। बस से सफा कर दिया मैंने, तो हम लोगों का ये पावर सप्लाई ठीक हो गया है। ये देखिए इसका लाइट भी जल रहा है, पहले नहीं जल रहा था, तो ये अभी ओके है। और इसका वायर में जो पावर वोल्टेज आता है कि नहीं वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं।
पहले इसको मैं फिट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको फेविक्विक से सटा दूँगा, क्योंकि हम लोग ने खोल दिया था ना, तो इसको फेविक्विक लगा के मैं इसको चिपका दूँगा ताकि ये खुल ना जाए। और ये मैं देखिए फेविक्विक लगा रहा हूँ, फेविक्विक के चिपका रहा हूँ, उसके बाद इसका वोल्ट चेक करेंगे। दोस्तों मैं अभी इसका वोल्ट चेक करूँगा, और ये देखिए इसमें पहले पावर दिया हूँ, लाइट जल रहा है, और मीटर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 19, ये देखिए इसका पावर आ गया है, अभी ये पूरा ओके हो गया है। आप लोग भी ऐसे ठीक कर सकते हैं।